सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या डेट शीट कब आने वाली है, क्योंकि डेट शीट आने के बाद बच्चों के ऊपर एक अलग सा प्रेशर हो जाता है, एक अलग सा जुनून आ जाता है कि यस, अब इतने ही दिन बचे हैं और इतनी ही हमारी डेडलाइन है एग्जाम को प्रिपेयर करने की। हालांकि CBSE ने बहुत पहले ही बता दिया है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और अप्रॉक्सीमेटली 10 अप्रैल तक जाएगा। अब ये 10th और 12th वालों के लिए वेरी कर सकता है थोड़ा थोड़ा। और रही बात इसी की मेन माइनर और मेजर सब्जेक्ट्स की, तो जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके एग्जाम पहले होंगे, यानी आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे वो फरवरी के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल्स यानी जैसे हमारा भी क्या है TimesNow.com/Times Now India है, या फिर हम बात करें Hindustan.com की जो ऑफिशियल लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं इनकी बात करें, तो डेट शीट कब आने के चांसेस है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अभी हम आ चुके हैं हिंदुस्तान पे, और हिंदुस्तान के पोर्टल पे यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या 17 नवंबर को जारी होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की डेट शीट। तो देखो अभी अब हम दूसरे चैनल पे चले अगर कि हम आ जाते हैं टाइम्स नाउ पे, तो यहाँ भी अगर मैं नीचे आकर यहाँ पर देखता हूँ अगर, तो यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है सिंपली कि जो हमारा स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट द CBSE बोर्ड एग्जाम डेट शीट टू रिलीज बाय द 17th of November। कहाँ गया यस ये रहा 17th of November। मतलब कुल मिला के हर जगह हर न्यूज़ चैनल पे हर न्यूज़ पोर्टल पे 17 नवंबर की बात कही जा रही है कि 17 नवंबर तक डेट शीट आ सकती है। हालांकि देखो मैं इन जनरल अगर बात करूँ तो जो भी डेट शीट आती है, जो भी आपकी जो भी बोर्ड की डेट शीट आती है ना, वो नवंबर के लास्ट वीक में आती है या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आती है। यस ये दो टाइम है जो कई सालों से डेट शीट आ रही है, नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन हो सकता है इस बार ऑलरेडी बोर्ड ने कह रखा है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 15 फरवरी से होगा, तो हो सकता है CBSE इस बार आपको डेट शीट जल्दी दे दे। 17 नवंबर को आएगा या नहीं आएगा ये तो अभी 17 नवंबर को ही पता चलेगा, बट इस चीज को लेकर बिल्कुल भी हाइप मत बनाओ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको डेट शीट की वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको प्रिपेयर करने के लिए आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मुझे पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि जब भी डेट शीट आती है उनको लगता है कि अब वो प्रेशर बनाना जरूरी है, अब उस स्पीड से आगे बढ़ना जरूरी है, बट इन सब चीजों में मत पड़ो। आपको पहले से ही पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 15 फरवरी से होने वाला है, और बहुत जल्द हम एक क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं जिसकी अपडेट आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी कल संडे को। और मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो CBSE वाले बच्चों के लिए, CBSE क्लास 10th के लिए। तो कल पूरी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। CBSE क्लास 10 का क्रैश कोर्स, मैथ साइंस एसएसटी तीनों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सब मुझे इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। यस दैट्स माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से या फिर CBSE के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, तो तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से CBSE की नेक्स्ट एंड ऑथेंटिक वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, एंड बिल्कुल भी परेशान मत हो डेट शीट को लेके। हाँ, 17 नवंबर के आसपास डेट शीट आ सकती है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। गुड लक।